हेलो दोस्तों, आजादी के 72वें सालगिरह पे एक्सीलेंट एजुकेशन की टीम की तरफ से आप सबों को ढेर सारी बधाई। आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे स्पेशल सीरीज। इसमें हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, मतलब जो हमारे नेशनल सिंबल्स हैं, उनको समझेंगे। और आज के लिए हम दो सिंबल्स, नेशनल एम्ब्लेम मतलब राष्ट्रीय चिन्ह और नेशनल फ्लैग राष्ट्रीय ध्वज को समझते हैं। तो नेशनल एम्ब्लेम क्या है? द लायन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ इज द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया, मतलब जो सारनाथ का अशोक स्तंभ है वो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। इट कंसिस्ट ऑफ फोर एशियाटिक लायन। अब देखिए, एक दो तीन और एक पीछे में, ये चार एशियाटिक लायन बैक टू बैक हैं। एक ये जो सर्कुलर स्तंभ है इसके ऊपर। द वेकस वाज स्कल्पचर्स ऑफ एलिफेंट, ए हॉर्स, अ बुल एंड लायन। अब देखिए, अब यहां पर एक हॉर्स दिख रहा होगा, एक बुल दिख रहा होगा, फिर आप इधर जाइएगा तो आपको एक लायन दिखेगा, और फिर आप एक और इधर सर्कुलर में आएगा तो एलिफेंट दिखेगा। अब दो छुप गए हैं और दे आर सेपरेटेड बाय अ व्हील्स इन बिटवीन। अब ये जो चक्र है इनके बीच में कर कर के इधर भी जाइएगा तो चक्र मिलेगा आपको। द नेशनल एम्ब्लेम स्टैंड्स ऑन अ फुल ब्लूम्ड इनवर्टेड लोटस फ्लावर। ठीक है। A representation of lion capital of Ashoka was initially adopted as emblem of dominion of India in December 1947. अब दिसंबर 1947 जब भारत गणतंत्र नहीं हुआ था, तो ये जो हमारा वो लायन कैपिटल है, मतलब जो चार शेरों वाला अशोक स्तंभ, उसको हमने नेशनल कैपिटल लिया। द करेंट वर्जन ऑफ एम्ब्लेम वॉज ऑफिशियली एडोप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। अब जो करेंट फॉर्म है उसमें हम तीन ही शेर हमें दिखता है, और इस फॉर्म को 26 जनवरी 1950 को एडोप्ट किया गया। वेन दैट द इंडिया बिकम अ रिपब्लिक, ये हमने बात कर ली। द एम्ब्लेम फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ ऑफिशियल लेटर हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब जो भारत का राजपत्र होता है उस पर आप ये चिन्ह जरूर देखिएगा। एंड अपियर्स ऑन ऑल इंडियन करेंसी, अब भारत के सारे नोट पे ये होता ही होता है। इट ऑल्सो फंक्शन एज द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया इन मेनी प्लेसेज एंड अपियर्स प्रोमिनेंटली ऑन इंडियन पासपोर्ट्स। अब भारत का जो पासपोर्ट है उस पर भी ये राष्ट्रीय चिन्ह जरूर से होता है। द अशोक चक्र व्हील ऑन इट्स बेस फीचर इन द सेंटर ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसके बीच में जो चक्र होता है वो भी यहीं से लिया गया है। तो ये हुई नेशनल एम्ब्लेम के बारे में बातें। और देखते हैं, द यूज ऑफ एम्ब्लेम इज रेगुलेटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड अंडर स्टेट एम्ब्लेम ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 2005। अब जो ये एक ये जो नेशनल एम्ब्लेम है इसको कहां यूज करें नहीं यूज करें, ये एक्ट के थ्रू गवर्न होता है। और जो है स्टेट एम्ब्लेम ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट, कहां हमको इसका इस्तेमाल करना है कहां नहीं करना है ये हम उसमें ही देखते हैं। No individuals or private organization is permitted to use the emblem for official correspondence. अब जो कोई भी निजी संस्था है वो अपने official communication में इस जो चिन्ह को इस्तेमाल नहीं कर सकती है। The actual Sarnath capital features four Asiatic lions and standing back to back symbolizing power, courage, confidence and pride. तो अब आपको पता ही है कि जो ये चार शेर हैं, ये शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गौरव को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मिंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एम्ब्लेम इज द मोटो इंस्क्राइब्ड बिलो, द वेकस इज इन देवनागरी स्क्रिप्ट, इट्स कॉल्ड सत्यमेव जयते। अब देखिए, जो ये सत्यमेव जयते हैं ये आपको एम्ब्लेम में जरूर दिखेगा, जिसका मतलब होता है सत्य की हमेशा जीत होती है। दिस इज अ कोट फ्रॉम मुंडको उपनिषद। अब ये मुंडको उपनिषद से लिया गया, आप इसको याद रखिएगा। The concluding part of the sacred Hindu Vedas, अब जो वेदा का सबसे जो अंत पार्ट होता है उपनिषद से होता है, उस डिटेल में भी हम नहीं जाते हैं। और जो नेशनल एम्ब्लेम का डिजाइन तैयार किया है अभी, वो किया है दीनानाथ भार्गव, जो कि नंदलाल बोस, जो भारत के बहुत प्रसिद्ध पेंटर हैं, उनके शिष्य थे। तो ये हुई नेशनल एम्ब्लेम के बारे में। अब देखते हैं फ्लैग ऑफ इंडिया के बारे में। नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज अ हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर ट्राई कलर ऑफ इंडिया सैफ्रॉन व्हाइट एंड इंडिया ग्रीन विथ अशोक चक्र और 24 स्पोक व्हील। अब देखिए, जो नेशनल फ्लैग है इसमें सैफ्रॉन कलर है, व्हाइट है, ग्रीन है, और बीच में ये जो नेवी ब्लू कलर का आपको चक्र भी दिखेगा।
It was adopted in its present form during the meeting of Constituent Assembly held on 22nd July 1947. अब इसको जो है Constituent Assembly के जब डिबेट चल रहे थे उस समय ही इसे अडॉप्ट किया गया 22nd जुलाई 1947 को. एंड जो हमारा भारत का जो डोमिनियन हुआ उसके लिए भी मतलब 15 अगस्त 1947 को सेम फ्लैग को ही अडॉप्ट कर लिया गया. और जब भारत रिपब्लिक हुआ तभी भी इसी फ्लैग को इसी फॉर्म में अडॉप्ट किया कर लिया गया. इसे हम तिरंगा ट्राई कलर मतलब तिरंगा भी कहते हैं. द फ्लैग इज बेस्ड ऑन द स्वराज फ्लैग अ फ्लैग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिजाइन बाई पिंगाली वेंकैया. तो पिंगाली वेंकैया ने जो स्वराज के लिए उस समय फ्लैग डिजाइन किया था उसी फ्लैग को हम भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपना लिए. By law, the flag is to be made of खादी. मतलब फ्लैग जो है वो खादी का ही बना होना चाहिए. महात्मा गांधी खादी पे काफी जोर देते थे. The manufacturing process and the specification of flag are laid out by the Bureau of Indian Standard. अब जो Bureau of Indian Standard का लेबल है वो इसके पूरे manufacturing का और क्या specification होना चाहिए वो डिसाइड करता है. The right of manufacturing the flag is held by खादी डेवलपमेंट एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन. जो अब ये खाली डेवलपमेंट एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है ये मतलब सोल होल्ड राइट करती है कि कितने फ्लैग का मैन्युफैक्चरिंग होगा नहीं होगा. एज ऑफ 2009 कर्नाटका खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ हैज बीन सोल मैन्युफैक्चरर ऑफ द सहयोग. अब ये संगठन है ये 2009 से अकेला ऐसा संगठन है जो राष्ट्रीय ध्वज बना रहा है. यूजेज ऑफ द फ्लैग इज गवर्न्ड बाय फ्लैग कोड ऑफ इंडिया एंड द अदर लॉ रिलेटिंग टू द नेशनल एम्ब्लम. अब जो इसको कहाँ इस्तेमाल करना है नहीं करना है वो एक फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है उसके तहत इसको ध्यान में रखा जाता है. और जो पहला जो ओरिजिनल फ्लैग कोड ऑफ इंडिया था उसमें ये था कि जो प्राइवेट सिटीजन है वो इस ध्वज को नहीं फहरा पाएंगे. लेकिन नवीन जिंदल ने 2002 में सुप्रीम कोर्ट में एक फाइल के ये केस फाइल की थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये बोला कि आप जो नेशनल फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है उसको अमेंड करें और प्राइवेट सिटीजन को भी ये राइट दें कि वो भी कंट्रोल्ड मैनर में राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकें. फिर यूनियन कैबिनेट ने 2005 में एक लॉ बनाया सबसे पहले 2002 में लॉ बनाया जिसके अंदर काफी लिमिटेड यूज ये किया गया कि हाँ यहाँ यहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा सकता है. फिर 2005 में एक अमेंडमेंट फ्लैग कोड ऑफ इंडिया आया जिसमें और एडिशनल्स ऐड किए गए कि हाँ और भी जगहों पे भी फ्लैग को होस्ट किया जा सकता है. और देखते हैं नेशनल फ्लैग के बारे में. जो हमारे ये सैफ्रोन व्हाइट एंड ग्रीन कलर है ये करेज एंड सेक्रीफाइस पीस एंड ट्रूथ एंड फेथ एंड सिविलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. बाकी ये चीजें हमने बात कर ली. जो ये नेशनल फ्लैग का यूज है वो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 और साथ ही साथ एम्ब्लेम एंड नेम प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 एंड द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 इनके तहत गवर्न किया जाता है. अगर आप राष्ट्रीय ध्वज का इंसल्ट करते हैं और उसका कुछ इम्प्रॉपर यूज करते हैं तो आप जो लॉ है उसको वायलेट करते हैं और ये पनिशेबल है. आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है, फाइन भी हो सकता है या दोनों हो सकते हैं. होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें. कमेंट में हमें बताएं कि और किन नेशनल सिंबल्स पे हमें वीडियो बनाना चाहिए. हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और इस फ्री एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग.